क्या आप भी परेशान हैं अपने स्किन इन्फेक्शंस और अपने बालों को लेकर? तो आपके लिए बड़ी खुशखबरी, अर्श हेयर ऑयल एंड अल अर्श एलर्जी क्रीम, ये अपना असर दिखाए सिर्फ 3 दिनों में। आइए नाज़रीन, अगली खबर हम आपको बताने जा रहे हैं जो कि शहर हैदराबाद नामपल्ली दरगाह यूसुफ़ेन के पास से है, जहां पर मुजावरों की गुंडागर्दी देखने में आ रही है, क्योंकि कुछ ज़ाहिरीन जो है रात के वक्त यानी 10:30 बजे रात को दरगाह यूसुफ़ेन पहुंचते हैं ज़ियारत करने के लिए। वहीं पर मुजावर कहते हैं कि अब जो है दरगाह मामूल होने का टाइम हो चुका है, यानी दरवाज़ा बंद होने का टाइम हो चुका है, आप बाहर चले जाइए। इस तरह से जो है गलत अल्फाजों का इस्तेमाल करते हैं। फिर उसके बाद जो है जो ज़ायरीन के साथ दो मर्द भी आते हैं, वो लोग आके मुजावरों से बहस और टकराव करते हैं। उसके बाद जो है मुजावरों की पूरी टीम जमा हो जाती है और इन ज़ायरीन पर जो है हमला कर देती है। हमला होने के बाद जो है ज़ायरीन जाकर पीएस में कंप्लेंट दर्ज करवाते हैं। तो बहरहाल आइए नामपल्ली दरगाह से खबर हम आपको दिखाते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, मेरा नाम आलिया है, मैं शाहीन नगर में रहती हूँ। हम लोग नामपल्ली के दरगाह को ज़ियारत करने के लिए गए थे, थोड़ा लेट हो गया, 10:30 बज गए थे। मैं ज़ियारत करने के लिए अंदर जा रही थी, थोड़ा दरवाजा खोलने से मना कर रहे थे। मैं बोली उनको, गुजारिश करी उनसे थोड़ी देर के लिए, 5 मिनट के लिए दरवाजा खोलिए। बोले तो जा रही जा, ऐसा वैसा झिड़कियाँ दे दी उन्होंने, मेरे को गालियाँ देना शुरू कर दिए। मेरे दो बच्चे बात करने गए तो बच्चों को अंदर खींच के बच्चे को दो बच्चों को मेरी बच्ची को मारे लगा, नहीं मेरे को ढकल दिए। मैं बच्चों को छुड़ाने जा रही थी, मेरी बच्ची को लगे मारा। जी हाँ, फिर जाके लिखा गया है, सुबह में आइए बोले, जाके जो भी है सुबह में मालूम कर लेना। जी हमारा को इंसाफ होना, हम बहुत दूर से आए, थोड़ी देर के लिए ज़ियारत करने के लिए आए, जबरदस्ती के बच्चों को मार रहे। जी कौन थे वो लोग, पहचानते आप लोग? जी नहीं, मैं आती तो नहीं यहाँ पर, ऐसी आ गए ज़ियारत करने के लिए, पहली बार आए हम लोग। मैं आती हूँ नहीं दरगाह को, जैसा अंदर घुसने के वास्ते इतनी आजीजी करी मैं कि 5 मिनट के वास्ते दूर से ज़ियारत कर लेके चले आते। बोले तो जारी जावर की झिड़कियाँ दे दिए लोग। ऐसे मुजावरा नहीं रहना जी, ऐसे मुजावरा नहीं। अगर इंसान कहीं दूर से आता, कोई मुश्किल रहती, कोई परेशानी रहती, ऐसा करे तो कैसा होता? हमको इंसाफ होना। हम लोग दरगाह को गए थे, मैं, हमारे वालदा, हमारी बहन, मेरा भाई, 4 जने गए थे। हम लोग थोड़ा पीछे जा रहे थे, भाई दो वालदा बहन सामने सामने गए, दो मिनट में ज़ियारत के लेके निकलते थे। बोल के हमारे वालदा बोले नहीं बंद हो गए, जाओ यहाँ से जाओ, बोल के बातें कर रहे थे। हमारे अम्मा बोले सिर्फ 2 मिनट में ज़ियारत के लेके निकल जाती माँ, बोल के बोले नहीं सिर्फ 2 मिनट बोलते, बोले जागे जाओ, बोल के बोला तो मैं किसको बोल रहा तुरे, बोल के गया मेरा भाई सामने सामने गया तो उसे गला पकड़े, तो गला पकड़ती कि मारा हम गया तो मैं भी गला पकड़ गया, हाथ उठाया, मैं इसको अकेले को मारा था। उतना देख के फिर 50-60 जने आ गए हम लोग को मारने के वास्ते, हमने जगह केस बुक कराए। मेरे बहन को भी मारे, मेरे वालदा को धक्का दिया, मेरे बहन को यहाँ पे मेरा हमने 2 जने भाया थे खाली, उतना 50-60 जने थे जाए कुछ थे ना, गेट बनने वाले खोलने वाले गेट खोलने वाले कुछ थे जी, ऑफिस में कंप्लेंट करा दिया हमने, बाद में फोन करो बोल के बोले ना नामपल्ली की दरगाह जी हो, पुलिस से क्या गुजारिश करेंगे? इंसाफ होना हमारे, हमला दरगाह को ज़ियारत करने के वास्ते कहते हैं, हमारे इंसाफ होना। ये हाल से इससे पहले भी 2 जनों के साथ हुआ है, मुजावरा बहुत हंसे वावा करते रहे, हम लोग पुलिस से इंसाफ होना, पुलिस से ये गुजारिश है हम लोग को इंसाफ कराना। वैसे मुजावरा वहाँ पे न रहना, हंसे ज्यादा हो जा रहा है, हम लोग को इंसाफ। क्या आप भी परेशान हैं अपने स्किन इन्फेक्शंस और अपने बालों को लेकर? तो आपके लिए बड़ी खुशखबरी, अर्श हेयर ऑयल एंड अल अर्श एलर्जी क्रीम, ये अपना असर दिखाए सिर्फ 3 दिनों में। दांत खुजली, रिंग वॉर्म्स और फंगल इन्फेक्शन जैसे कई बीमारियों को झट से दूर करें। हेयर ऑयल डैंड्रफ, हेयर फॉल जैसे प्रॉब्लम्स को दूर करें और देख काले घने खूबसूरत बाल। मजीद मालूमात के लिए अभी कॉल करें 7095661743 8074667316 या फिर 9381328844। हमारा पता है बहादुरपुरा एक्स रोड, अल अर्श मेडिकल हॉल, बिसाइड अकबर हुसैन हॉस्पिटल, अवेलेबल एट Amazon एंड Flipkart।